दोस्तों, अगर आप पासपोर्ट की वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो अभी के टाइम पर वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। ये एक अपडेट था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज से ये 2 सितंबर तक जो है आपको जो है वेबसाइट पर कोई काम नहीं कर पाएंगे। ना आप लॉगिन कर सकते हैं, ना ही आप RPO का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और ना ही आप यहाँ से कोई भी पासपोर्ट का आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। क्यों, इसके पीछे का मैं कारण आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर साइड में मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, आप उस फोटो को देख लो, आपको एक आइडिया लग जाएगा रफली। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस का एक ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा। वहां पर लिखा है वी विल बी बैक ऑन 2 सितंबर 2024 बाय 600 आवर। तो ये इतना ऐसे लिखा हुआ अपडेट आ रहा है, इसका मतलब कि ये काफी टाइम के लिए अभी बंद कर दिया गया है। और नीचे आप देखो एक ऑप्शन दिया है, परमिशन इमिग्रेशन लॉगिन प्लीज क्लिक ऑन बिलो। तो यहां पर इस तरीके से दिया है। और उसके नीचे आ जाओ तो येलो कलर में लिखा है, इफ यू सी द मेंटेनेंस पेज इवन आफ्टर द सर्विस इज रिज्यूम प्लीज प्रेस कंट्रोल F5 टू रिफ्रेश योर ब्राउजर कैश। ठीक है, तो अगर ये 2 तारीख को अगर ये सर्विस को फिर से चालू कर दिया जाता है 2 तारीख के बाद, तो अगर आपका फिर भी ऐसा शो कर रहा है तो आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, ऐसे शो होने के पीछे का एक कारण है कि वेबसाइट के ऊपर कुछ मेंटेनेंस का काम हो रहा है। वेबसाइट अभी मेंटेनेंस में है। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि कुछ उसमें प्रोग्रामिंग करी जा रही होगी, कुछ अपडेट करा जा रहा होगा, कुछ नई चीज़ें जोड़ी जा रही होंगी, या कुछ ना कुछ नया उसमें करा जा रहा हो सकता है कि जो हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करी जा रही हो सकता है, कुछ उसमें हटाया जा रहा हो। तो बहुत सारे ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर अपडेट करी जा रही हैं। तो ये सारे रीज़न की वजह से जो है ये वाला इशू आपको हो रहा है कि वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस का ऑप्शन आपको शो कर रहा है। तो यहां पर आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बस सकते ये जो है आपका 30, 31 और 1 और 2 4 दिन के लिए ये वेबसाइट बंद रहेगी पासपोर्ट की। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, 4 दिन के अंदर अंदर फिर ये वेबसाइट 4 दिन के बाद जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपका जो भी काम है, जैसे RPO अपॉइंटमेंट बुकिंग करने का हो, या फिर आपको पासपोर्ट अप्लाई करने का हो, या फिर कोई भी काम आपको जो भी है, तो ये आप 4 दिन के बाद करना। अभी 4 दिन के लिए सारे काम आपके बंद हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको सोचने की बात नहीं है। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आए जो लोग बोल रहे थे कि सर ऐसा ऐसा इशू आ रहा है, तो इसका यही सीन है। और कई सारे लोग बोल रहे हैं कि उनका जो अपॉइंटमेंट था वहां का पासपोर्ट ऑफिस या रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का, वो भी कैंसिल हो गया है। तो भाई कैंसिल नहीं हुआ होगा, आप एक बार चेक करना, वो रीशेड्यूल होकर आगे चला गया होगा, एक्सटेंड हो गया होगा, लेकिन आपका डेट होगा। ठीक है, तो अब आप टेंशन मत लो, ये एक छोटा सा अपडेट था जो मुझे आपको बताना था। तो आप जो है कमेंट करके मुझे बताओ कि ये अपडेट आपको कैसा लगा। ठीक है, तो बाकी आपसे मिलते हैं किसी और नए अपडेट में किसी और नए वीडियो के साथ। अपने जो भी प्रॉब्लम आपको है कमेंट करो नीचे वीडियो के अंदर। ठीक है।